कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी तो देश फिर से पटरी पर लौटना शुरू हो गया है। जैसे तैसे लोग कोरोना से बचाव करते हुए अपने अपने कामकाज पर जाने लगे हैं, लेकिन जो लोग अपने घर से दूर काम पर जाते हैं उनके लिए अभी तक समस्या बरकरार है। हालांकि रोडवेज व अन्य यातायात के साधन पूरी तरह से चला दिए गए हैं, लेकिन ये आम जन की जेब पर भारी असर डालते हैं। ऐसे में ट्रेनें रोजमर्रा सफर करने वाले यात्रियों के लिए बेहतर और सस्ता साधन है। देश भर में अभी तक सिर्फ रिजर्व ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं, जिस वजह से यात्रियों को काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान होने जा रहा है, क्योंकि रेलवे 22 तारीख से 35 पैसेंजर ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है, जो पूरी तरह से अनरिजर्व्ड होंगी। कोरोना काल में ये पहला मौका है जब यात्रियों के लिए अनरिजर्व्ड मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें बिना रिजर्वेशन के यात्री यात्रा कर सकेंगे। इससे पहले चलाई गई सभी स्पेशल ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व थी। इन ट्रेनों में नॉर्दर्न रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए सबसे अहम अम्बाला लुधियाना अप डाउन, सहारनपुर से ऊना हिमाचल अप डाउन ट्रेनें होंगी। जानकारी देते हुए अम्बाला डिवीजन के एडिशनल DRM ने बताया कि हालांकि ये ट्रेन अनरिजर्व पैसेंजर बनाकर चलाई जा रही है, लेकिन इनके स्टेशन कम कर दिए गए हैं और इनमें किराया भी मेल ट्रेन का वसूला जाएगा। अभी लेटेस्ट जानकारी के अनुसार हमारी कुछ अनरिजर्व ट्रेनें चालू की गई हैं, जो नॉर्दर्न रेलवे में 35 ट्रेनों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसमें हमारे मंडल को टच करने वाली करीब 6 ट्रेनें हैं और प्रमुखता से जो कई स्टेशनों को कवर करेंगी, उसमें 2 पेयर ट्रेनें हैं जो नॉर्दर्न हमारे डिवीजन में चलेंगी। इसमें मेल एक्सप्रेस का किराया लगेगा, लेकिन पूरी अनरिजर्व रहेंगी। कौन कौन से रूट्स पे चलेंगी ये ट्रेन्स और मुख्य रूट्स के बारे में बताएं? 2 पेयर जो हैं वो मुख्य रूप से चलेंगी हमारे डिवीजन में, जो एक अम्बाला से लुधियाना और लुधियाना से अम्बाला। इसमें हमारे काफ़ी स्टेशन 7-8 स्टेशन कवर होते हैं। ये वाया राजपुरा दोराहा खन्ना दोराहा होते हुए लुधियाना जाएगी और फिर लुधियाना से वापस आएगी। इसकी टाइमिंग्स भी निर्धारित कर दी गई हैं। तो ये एक पेयर हो गई। दूसरी पेयर हो गई सहारनपुर ऊना हिमाचल से, सहारनपुर से अम्बाला, अम्बाला से सरहिंद होते हुए ऊना हिमाचल जाएगी और फिर ऊना हिमाचल से वापस आएगी। ये इसमें करीब 15-20 स्टेशन कवर होंगे। तो ये भी एक प्रमुख ट्रेन है। जो 2 ट्रेनें चलेंगी उनमें से ये 2 प्रमुख ट्रेनें हैं। सर, इनके स्टॉपेज भी कर्टेन किए गए हैं या नॉर्मल स्टॉपेज जिस तरह से पैसेंजर चलती थी वैसे ही चलेंगी? इनके स्टॉपेज भी कर्टेन किए जा रहे हैं, तो इसीलिए मेल एक्सप्रेस का किराया लिया जा रहा है। इसकी नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आज शाम तक जारी कर दी जाएगी। कुछ तकनीकी जानकारी हमारी दूसरे विभागों से मांगी गई है, उन तकनीकी जानकारी मिलते ही जो आज शाम तक मिल जाएगी और हम शाम तक इसकी प्रेस रिलीज जारी कर देंगे कि कौन कौन से स्टॉपेज पर ये दोनों ट्रेनें रुकेंगी और क्या इनका टाइमिंग्स रहेगी। अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।